हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किचन फॉर यू। आज हम बनाएंगे बनाना बॉल्स रेसिपी। बहुत ही इजी है, खाने में बहुत ही टेस्टी है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा और हेल्दी भी है। तो चलिए इस बनाना बॉल्स की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने बनाना ले लिया है और उसको छील के हम कुछ इस तरीके से इसका पीसेस कर ली है। अब हम मिक्सिंग जार में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे बनाना का पेस्ट हमने बना लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी, साथ में हम इलायची की बीज डाल देंगे 3-4, हाफ चम्मच से थोड़ा सा कम डाल देंगे सॉल्ट और सबको हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए पेस्ट हमने बना लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे और बाउल में हम पेस्ट को डाल देंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे राइस फ्लोर, यानी चावल की आटा हम इसमें डालेंगे और फिर अच्छे से बनाना की पेस्ट के साथ मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके फ्लोर डालेंगे और मिलाएंगे, एक बार में ज्यादा नहीं डालेंगे। इसमें क्या होगा, इसका क्वांटिटी आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये देखिए इसमें और थोड़ा सा डालना चाहिए, तो मैं और थोड़ा सा आप जान लूंगी। अच्छे से मिला के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए इसे हमने अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून नारियल की बूरा। अब चाहे तो जो फ्रेश ताजे नारियल होता है वो भी आप डाल सकते हैं, या बाजार में जो नारियल की बूरा मिलते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं इसका पेस्ट और भी बढ़ाने के लिए, या बिना नारियल की भी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है, इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बॉल्स बनाते हैं। तो बस बनाने के लिए यहाँ पे ऑयल को हम अच्छे से हाई फ्लेम में पहले गर्म कर लिया है और फिर हम इसमें बॉल्स डाल देंगे। तो हाथों में इस तरीके से लेके हम इस तरीके से बॉल्स बनाएंगे। एक साथ में आप 4-5 बॉल्स डाल सकते हैं। तो ये देखिए बॉल्स को अब हमें थोड़ा सा पलट देनी है, इसे हम डीप गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए इसे हल्का सा गोल्डन आया है, मैं और थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। इसकी साइड में हम और थोड़ा सा बॉल्स डाल देते हैं ताकि तेलो अच्छे से फ्राई हो और साइड में भी बॉल्स अच्छे से जल्दी फ्राई हो जाएगा। तो इस साइड में भी हम बॉल्स डाल देंगे और पहले जो बॉल्स हमने डाला है उसे अब हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई हो गई है। तो इस बॉल्स को हम निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस में हम सारे बॉल्स इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो आज की हमारी बनाना बॉल्स फ्राई होकर तैयार है। इस तरीके से आप बनाएं, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी। तो आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।